मित्रों, यह तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है, और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बुत स्वागत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है, और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है, किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे उस मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे उस मृतक आत्मा की शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और जब 13वें दिन तेरही की जाती है और मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन समान होता है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है, उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा के नियमित 13 दिनों तक पिंड दान किए जाना आवश्यक बताया गया है। इन सबके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है, मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही कष्ट उठाता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने पर मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं
और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क लोक भेज देते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद निम्न योनि में मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटों के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत